इसलिए नहीं चाहा रोशनी, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। इसलिए नहीं चाहा, बिकॉज यू लव मी। और अगर करती हो तो कह क्यों नहीं देती रोशनी, क्यों नहीं कह देती मुझको? Say it that you love me, कह दो और खत्म कर दो ये सब कुछ। Enough, बहुत तमाशा हो चुका है। रोशनी तुम मेरे साथ चल रही हो इसी वक्त, ओके? चलो यहाँ से और मेरी बेटी से दूर रहना। कहाँ ले जाएंगे आप उसे? मुझसे दूर? आज ले जाएंगे आप उसे, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे? इसे वापस तो मेरे पास ही आना है ना रोशनी? मेरी मॉम ने दिल तोड़ा, आपने रिश्ता, और सबको लगा कि रोशनी और सिद्धार्थ का दी एंड हो गया। लेकिन ये तो दुनिया जानती है सासू मॉम कि पिक्चर तब तक खत्म नहीं होती जब तक हीरो जीत नहीं जाता। और वैसे भी आज ये जो कुछ भी हुआ है, आपकी बेटी मुझे मौत के मुंह से वापस लाई, उससे मुझ में फुल पावर कॉन्फिडेंस आ गया। जब मौत सिद्धार्थ और रोशनी को अलग नहीं कर पाए तो ये रोजमर्रा के मसले क्या करेंगे? आपको इसे ले जाना है ना, ले जाइए। इसे पाताल में भी रख देंगे ना तो भी रोशनी सिद्धार्थ के पास ही वापस आएगी। राइट बेबी? डैड, आप अपनी बहू को बहुत मिस कर रहे थे, तैयारियां कर लीजिए क्योंकि मैं आपकी बहू को बहुत जल्द घर लेके आने वाला हूं। आप भी तैयारियां कर लीजिए अपने पति के पास वापस आने की। अब आप तो जानती हैं कि मैं कितना चिपकू, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। ले जाइए इसे। रोशनी, डैड, अब मैं घर जाना चाहता हूं। आपके बेटे को उसके दर्द की दवा मिल गई है। I wanna go home. रोशनी, तूने मुझसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था मुझे कि तू ये सब हैंडल कर पाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता तू तो फिर उसके जाल में फंसती जा रही है। रोशनी प्लीज, ये बात बहुत सीरियस है। तेरा एक वीक मोमेंट, हल्की सी भी सॉफ्टनेस ना पूरा डिवोर्स केस खराब कर सकती है। बेटा तू वापस चली जा। सच कहूं, मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरी रोशनी वापस आ गई है। बस मैं तो माँ प्लीज एक सेकेंड, हम इतने सेल्फिश भी तो नहीं हो सकते ना? आपको क्या लगता है वो सिद्धार्थ चुप बैठेगा, रोज इसकी जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश करेगा? सॉरी मॉम, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, पर मैं इमोशंस में बह गई। मुझे लगा वो मर जाएगा। गुस्से में मेरे मुंह से वही बात निकली थी जब मैं उससे मिली थी, और मुझे कहाँ पता था कि वो इतना पागलपन कर जाएगा।
हाँ वो करेगा, वी एक्सपेक्ट दैट आउट ऑफ हिम। अच्छा मैम प्लीज आज ही वापस लौट जा, मैं तो कहूंगी। देख मैं तुझे फोर्स नहीं कर रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जो भी डिसीजन लेना सही लेना, दैट्स ऑल। ये हुई ना बात, इस कमरे में अपनापन है। देख सिड, एक अच्छा इंसान बनने के लिए हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी का होना बहुत जरूरी है। और काके हेल्दी माइंड तो है तेरे पास, लेकिन हेल्दी बॉडी के लिए तुझे दवाई खानी पड़ेगी, ठीक है ना? मैं लेकर आता हूँ। क्या दवाई? अरे नहीं यार, उसकी जरूरत नहीं है। जरा चारों तरफ नजर दौड़ाइए, पूरे कमरे में हर जगह सिर्फ रोशनी का मुस्कुराता चेहरा है। मेरे किसी भी दर्द के लिए इससे बेहतर दवा होना इट्स इम्पॉसिबल। मेरे प्रेम पुजारी, ये जड़ी सट्टा लगी है ना, ये दवाई से जाएंगी। आता हूं। क्या जरूरत थी मां, क्या जरूरत थी ऐसी बातें करने की? बेचारी रोशनी की क्या गलती थी? सिड, एक मां की नजरों से देख तब तुझे एहसास होगा। तूने तो मुझे बिल्कुल पराया ही कर दिया। क्या हालत हो गई है तेरी सिड? सिड अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो पता नहीं क्या करती मैं। कैसे कैसे कुछ हो जाता मां? इतने सारे लोगों का प्यार है मेरे साथ, रोशनी का, डैड का, आपका, कोई पराया नहीं है मां। बस आपको नजरिया बदल के देखने की जरूरत है। मैं बैंकॉक सिर्फ उस लड़की के लिए नहीं, इस लड़की के लिए भी गया था। अब खुद देखिए, उसी बहाने से सही आज आपका प्यार तो नसीब हुआ। मॉम, जब इतना प्यार करती हैं आप तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? खत्म करते हैं सब, फिर से शुरू करते हैं नए सिरे से, ले आते हैं उसे, मेरी रोशनी को, आपकी रोशनी को, उस रोशनी को जिसे आप बेटी मानते, ले आते हैं उसे। नहीं सिड, तो कुछ भी करने को कहेगा मैं सब कुछ कर लूंगी, लेकिन ये नहीं मानूंगी, मैं रोशनी को फिर से एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसे सॉरी, रोशनी को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। अब फिर जानते हैं मामा, आप एक बात भूल रही हैं कि अगर आज मैं जिंदा हूं ना तो उसी रोशनी की वजह से, वरना तो आप और डैड मेरी फोटो पे हार चढ़ा रहे होते। पागल हो गया क्या? जाने क्या अनाप शनाप बोलने लग गया है। पागल कहीं का, मुझे कुछ बात नहीं करनी है, बस तू खा और आराम कर। तू चाहे मुझे जितना भी समझा ले, लेकिन मैं रोशनी को फिर से एक्सेप्ट नहीं कर सकती।
एक्सेप्ट तो आपको करना पड़ेगा मॉम, कर लीजिए जो कोशिश करनी है आप भी और सासू मॉम भी, लेकिन अब ये सिद्धार्थ रुकने वाला नहीं है। रोशनी को तो मेरे पास ही आना, और आप मिस रोशनी पटेल, उप्स, मिसेस रोशनी खुराना, तैयारी कर लो, जल्दी घर आना। आपको इसे ले जाना है ना, ले जाइए। इसे पाताल में भी रख देंगे ना तो भी रोशनी सिद्धार्थ के पास ही वापस आएगी। आप भी तैयारियां कर लीजिए अपने पति के पास वापस आने की। देख, मैं तुझे फोर्स नहीं कर रही हूं, मैं बस इतना कह रही हूं कि जो भी डिसीजन लेना सही लेना, दैट्स ऑल। आप लोग आइए आइए, प्लीज आइए ना, आइए। आई नो मैंने कहा था कि 10 बजे के बाद, पर हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि आपसे मिलते जाएं। वो एक्चुअली डिलीवरी थोड़ी लेट हो जाएगी, मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। हो जाएगी डिलीवरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा टाइम, क्या बोल रहे हैं आप? आपने तो प्रॉमिस किया था ना, हमारी बेटी की शादी है और आप चाहती हैं कि नेकलेस के लिए हम डेट पोस्टपोन कर दें? हद करती हैं आप नहीं कर सकती तो पहले बता देना चाहिए था। हमने तो आपको पहले ही कहा था कि हमारे पास वक्त कम है। देखिए, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं। मुझे भी एक ही दिन और चाहिए, बहुत इन्वेस्ट किया पैसा मैंने, आप लोगों से एडवांस भी नहीं लिया था मैंने। अरे तो मांग लेती ना, हमने कब मना किया था? कमिटमेंट की भी कोई वैल्यू है कि नहीं? ये क्या मजाक है, आप ये नेकलेस ना अपने पास ही रखिए, मैं आपकी इतनी बुरी पब्लिसिटी करूंगी कि कहीं काम मिलने के लायक नहीं रहेंगे आप। देखिए, मैं सीरियसली आपको कह रही हूँ, वो जाने दो। कोई जरूरत नहीं है मॉम, काम के लिए आप इन लोगों के सामने तो प्लीड नहीं करेंगी, आप जा सकते हैं। और हाँ, जो पब्लिसिटी करनी है ना कर लीजिए। मॉम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इतना सब कुछ हो गया, आपने कुछ भी नहीं बताया मुझे। यहाँ तक कि मैं कॉल करती थी तब भी आपने मुझे सही सिचुएशन का नहीं बताया। इतना फाइनेंशियल क्राइसिस, इतना इमोशनल स्ट्रेस अकेले झेल रही है। व्हाई वुड यू डू दिस मॉम? मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है कि एक बेटी के होते हुए आपको ये सब देखना पड़ रहा है। You know what? मैं अब यहां से कहीं नहीं जा रही हूं, and that's final. बहुत कर चुकी आप सबके लिए, अब मेरी बारी है। देख, सिद्धार्थ उसका क्या करेगा? कौन सिद्धार्थ मॉम? कौन सिद्धार्थ? वो सिद्धार्थ जिसने मेरी माँ की हालत कर दी, या वो सिद्धार्थ जिसने मेरी पूरी फैमिली को तड़पने के लिए छोड़ दिया? हाँ, मैं मानती हूँ मैं उसकी वजह से यहाँ तक भागी चली आई, पर मैंने आपके लिए भी ये सब नहीं चाहा था, ना कभी सोचा था। आपको मेरी जरूरत है मॉम, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बेटा, वो तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला, रोज तेरे लिए कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी करेगा और मैं नहीं देख पाऊंगी वो। आंटी, बिल्कुल सही कहा आंटी आपने, रोशनी के साथ हम ऐसा नहीं होने दे सकते। रोशनी को मेरे साथ बैंकॉक वापस चले जाना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हम सबको मेरे साथ बैंकॉक चलना चाहिए। अरे माँ, यस, जानती हूँ। हे सेक्सी नानी, काफी कुछ सुना है रोशनी से आपके बारे में। यश, तुम अचानक यहाँ पर, तुम भी तो अचानक वापस आ गई बिना कुछ कहे।
अब इतना वरिड होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा शायद तुम्हें दोस्त की जरूरत होगी, इसलिए यहाँ चला है। चलो इसी बहाने स्माइल तो की तुमने, स्माइल को देखने के लिए तरस क्या था बैंक। अच्छा चलो जाओ, अब हाथ मुंह धो लो, सेटल इन, फिर हम एक साथ खाना खाते हैं। बिल्कुल आंटी, इसके बैंकॉक से ऐसे चले जाने के बाद तो मानो भूख ही नहीं लगी। नो व्हाट, तुम्हें बिजनेसमैन नहीं तुम्हें एक्टर होना चाहिए था क्या? फुल नौटंकी है यहाँ। दुर्गा चल हम खाने का इंतजाम करें। हाँ यश यहाँ क्यों आया है? आया मतलब रोशनी का बचपन का स्कूल का फ्रेंड है, रोशनी इतने महीनों से उसके साथ रह रही है, उसे लगा होगा यहाँ आना है तो आ गया होगा। व्हाट एल्स? कुछ चीजें मैं बहुत साफ देख पा रही हूँ, ऐसी चीजें जो तू नहीं देख सकती है। ऐसी बुरी नहीं हुई है मेरी आंखें। आप जो कह रही है सीधे सीधे कहिए ना। यश रोशनी को पसंद करता है। रियली? यू रियली थिंक सो? मान ले मेरी बात और इस बात की गांठ बांध लेना, और उसके यहां आने से उलझन और बढ़ जाएगी। सिद्धार्थ रोशनी को किसी और का होने नहीं देगा। फिर जो आदमी एक बार मौत के मुंह से वापस आया होता है ना, उसे मौत का डर नहीं होता है। फिर ये तो सिद्धार्थ है जो रोशनी को इतना प्यार करता है। मां मुझे नहीं पता आप जो कह रही है वो सच है या नहीं, लेकिन अगर वो सच है तो इट्स फाइन। उस लड़के ने इतने महीनों तक रोशनी को संभाला है, उसे सहारा दिया बिना किसी मतलब से। इससे अच्छा इंसान और कौन हो सकता है रोशनी के लिए? जहां तक मुझे पता है, मैं सिद्धार्थ और रोशनी को कभी नहीं मिलने दूंगी। इसका जवाब तो तू भी नहीं जानती है और मैं भी नहीं जानती हूं। जानती है तो सिर्फ रोशनी जानती है, और जहां तक मैं रोशनी को जानती हूं उसके दिल में कौन है मुझे पता है। उसके दिल में सिद्धार्थ और सिर्फ सिद्धार्थ है और कोई नहीं। रोशनी वो इंसान तुम्हें डिजर्व नहीं करता। उसने हर बार तुम्हें चोट पहुंचाई है। वो पहले तुम्हें कमजोर करता है और फिर उस कमजोरी का फायदा उठा के तुम्हें और तकलीफ। सिद्धार्थ के बारे में प्लीज बात नहीं करते हैं यश। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपनी मॉम के लिए। उन्हें मेरी जरूरत है यश। अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो उन्हें मेरी हेल्प मिल जाएगी, इस घर को संभालने के लिए एक हाथ मिल जाएगा। और आज बेटी का फर्ज निभाने का मौका मिला। आई वांट टू मेक माय मदर प्राउड। यश ये लो, वही किया जो तुम चाहती थी। ये हमारे बैंकॉक को वापस जाने के टिकट। अब ना तुम जाओगी ना मैं। What do you mean? I mean कि तुम्हें इस हाल में छोड़कर मैं बैंकॉक में वापस कैसे काम कर सकता हूँ? और वैसे भी मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है, कोई और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पसंद नहीं आने वाली। तुम पागल हो यश। वो तो मैं हूँ, और मैंने सोच लिया है कि मेरी क्लोथिंग लाइन की इंडियन ब्रांच में ही शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। नो यश प्लीज, तुम ऑलरेडी इतना कुछ कर चुके हो मेरे लिए। और तुम ये रिकॉर्डर पे ही चला दिया करो ना, एक ही डायलॉग बार बार बोल के बोर नहीं हो जाती हो? कम ऑन रोशनी, तुम मेरी दोस्त या बेस्ट फ्रेंड्स। ये हक हमारी दोस्ती के नाम। मैं आती अब तक तो दोस्ती थी,
लेकिन अब इस दोस्ती को रिश्ते में बदलने आया हूँ रोशनी। आई लव यू सो मच, आई लव यू रोशनी। आज नहीं तो कल तुम ये ज़रूर समझ जाओगी कि दोस्ती भी प्यार का ही एक रूप है। मैं तुमसे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम छीन लूँगा और तुम्हें वो प्यार दूंगा जो तुम डिज़र्व करते हो।